अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए ले गया हूँ YouTube इंट्रो, जो कि आप सिंपल स्क्रीन में देख चुके हैं। तो अगर आप भी इस तरह का थंबनेल इंट्रो बनाना चाहते हैं तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। तो वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जी तो फ्रेंड, ये इंट्रो है, थंबनेल इंट्रो को आप कह सकते हैं। और ये मैं अपनी वीडियो में काफ़ी ज़्यादा जो इसको यूज़ करता हूँ। तो कल एक दोस्त ने मुझे मैसेज किया था, उसने बोला था कि यार इस तरह का इंट्रो मैं भी अपने YouTube चैनल के बनाना चाहता हूँ, तो आप काइंडली इस पर ट्यूटोरियल दें। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को शुरू से एंड तक देखना है, क्योंकि आज की वीडियो को मुकम्मल ट्यूटोरियल दूंगा। तो अगर आप किसी स्टेटस का ट्यूटोरियल चाहते हैं या कोई सा मटेरियल चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम आई डी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो वीडियो शुरू करें पहले, अगर आप हमारा चैनल पहले दफा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इस इंट्रो को बनाने के लिए हम दो ऐप को यूज़ करेंगे, एक का नाम है पिक्सल ऐप और दूसरी का नाम है लाइट मोशन। तो सबसे पहले पिक्सल ऐप को ओपन कर लेते हैं। तो पिक्सल ऐप को ओपन करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस होगा, तो आपने क्या करना है, न्यू टेक्स्ट को डिलीट कर लेना। उसके बाद आपने थ्री डॉट पे टैप करके इमेज साइज़ में आके और इसको आपने इमेज साइज़ को आपने क्या करना है रिमूव करके, और यहाँ पर आपने लिख लेना है 500 और यहाँ पर लिख लेना है 2500, कुछ इस तरह से। आपके पास ये इस तरह से साइज़ बन गया है, बिल्कुल इक्वल बराबर साइज़। आपने यही साइज़ याद रखना है, मैं आपको फिर दिखा देता हूँ। आपने ये साइज़ चेक कर लें, आपने ये साइज़ लगाना है। उसके बाद आपने क्या करना है, प्लस पे टैप करके फ्रॉम गैलरी में आके अपने थंबनेल जो है आपने वो ऐड कर लेने हैं। तो फ्रेंड, आपने क्या करना है कि आपने अपना थंबनेल ऐड कर लेना है जो कि आप अपनी वीडियो के लिए बनाते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, रिलेटिव साइज़ में आके इसको आपने 80 पे कर लेना है, कुछ इस तरह से। उसके बाद आपने इसको आगे स्क्रॉल डाउन कर लेना है और रोटेशन में आके आपने इसको 90 डिग्री इसको रोटेट कर लेना है, कुछ इस तरह से। उसके बाद आपने क्या करना है, इस तरह से इसको ऊपर आके, और ये आपके पास रिलेटिव साइज़ आ गया, सॉरी ये रिलेटिव पोजीशन आ गई। आपने इसको रिलेटिव पोजीशन सेंटर वाले आइकन पे टैप करके इसको सेंटर में कर लेना है, एक हमारा ऐड हो गया। उसके बाद आपने टोटल 6 करने हैं। उसके बाद दोबारा फिर आपने प्लस पर टैप करके फ्रॉम गैलरी में आके बिलफर्ज, ये दूसरा हमारा है थंबनेल, तो आपने इसको भी सेम तरीका करना है, रिलेटिव पोजीशन में आके रिलेटिव साइज़ में आके आपने इसको 80 कर लेना है, कुछ इस तरह से, इस तरह से। उसके बाद आपने इसको रोटेशन में आके और 90 डिग्री आपने इसको रोटेट कर लेना है, कुछ इस तरह से। और उसके बाद आपने क्या करना है कि रिलेटिव पोजीशन में आके आपने इसको सेंटर में करके और इस तरह से इसको ऊपर लगा लेना है, इस तरह से। आपने अपना दूसरा जो है वो ऐड कर लेना है। उसके बाद वही सेम तरीका करना है, आपने इसको रिलेटिव साइज़ में आके इसको 80 कर लेना है। उसके बाद रोटेशन में आके और इसको आपने 90 डिग्री कर लेना है, कुछ इस तरह से। उसके बाद आपने जो है इसको भी सेंटर में कर लेना है। उसके बाद प्लस पे टैप करके फ्रॉम गैलरी में आके, तो आपने क्या करना है, इसको सेम रिलेटिव साइज़ में आके 80 कर लेना है, कुछ इस तरह से। उसके बाद आपने इसको रोटेशन में आके और इसको 90 डिग्री आपने रोटेट कर लेना है। उसके बाद आपने कुछ इस तरह से इसको इधर नीचे लगा लेना है। उसके बाद आपने प्लस पे टैप करके फ्रॉम गैलरी में आके इसको भी रिलेटिव साइज़ में आके आपने कुछ इस तरह से 80। उसके बाद रोटेशन, फ्रेंड बहुत इजी है, जस्ट आपने वीडियो को ध्यान से देखना है। वीडियो को ध्यान से नहीं देखेंगे तो फिर आपके लिए मुश्किल होगी। बहुत इजी है, इससे इजी मेथड में आपको कोई नहीं समझाएगा। तो इसको भी जो है वो कुछ इस तरह से इधर करके इस तरह से नीचे ले आते हैं। अब हमारी एक पिक्स रह गई है तो उसको दोबारा ऐड कर लेते हैं। मैंने अपनी पिक्स ऐड कर ली, उसके बाद रिलेटिव साइज़ में आके इसको फिर 80 कर लेते हैं, कुछ इस तरह से। उसके बाद रोटेशन में आके इसको 90 डिग्री रोटेट कर लेते हैं, सॉरी ये 100 हो गया है, 90 डिग्री ये। उसके बाद आपने इस तरह से, ओह सॉरी, आपने इस तरह से इसको नीचे ले आना है। अब आपने क्या करना है फ्रेंड, आपने इस पर जो आपका जूम कर्सर बना हुआ आपने इस पर टैप करके इसको इस तरह से जूम कर लेना है, और अपनी तमाम जो है वो आपने क्या करना है, इसको रिलेटिव पोजीशन में करके और इस तरह से एक साथ आपने इनको जोड़ लेना है, ताकि इनके दरमियान जो है वो वक्फा ख़त्म हो जाए। जैसे आप इसको जूम करेंगे तो आपको ये क्लियर नज़र आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इस तरह से इस तमाम को आपने अच्छे से मिला के जो है वो एडजस्ट कर लेना है, उसको मेरी थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। उसके बाद ये हमारा हो गया कुछ इस तरह से। उसके बाद ये रह गया, इसको भी आपने कुछ इस तरह से जो है वो ऐसे कर लेना है। उसके बाद आपने इसको जो है वो बैक कर लेना है। बैक करने के बाद जितना हमारा काम कंप्लीट हो गया, आपने एक पिक्स पे, यानी आपकी एक मुकम्मल पिक्स बन गई, एक पिक्स पे 6 थंबनेल ऐड करने हैं।
उसके लिए आपको 18 थंबनेल चाहिए होंगे। अगर आप जो है वो अलग अलग लगाना चाहते हैं, यानी 18 दोनों 36 आपको चाहिए होंगे, तो आपने देखा होगा कि मैं जो इंट्रो बनाया मैंने जस्ट 18 पे बनाया है, पहले एक स्लाइड आती है फिर दूसरी फिर तीसरी और वही दोबारा रिपीट हो गया थी। अगर आप इस तरह चेंजेस करना चाहते हैं तो आपको जो है वो 36 थंबनेल आपको चाहिए होंगे। तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसको ट्रांसपेरेंट करके और सेव पे टाइप करके, सेव एज इमेज पे टाइप करके, कस्टम पे टाइप करके, अल्ट्रा पे करके आपने सेव टू गैलरी निकाल लेना है। तो फ्रेंड इतना हमारा काम कंप्लीट हो गया। तो फ्रेंड हमारी ये पिक सेव हो चुकी है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आपके पास थंबनेल नहीं है और आपके यूट्यूब पे थंबनेल अपलोड हैं तो आप वहाँ से कैसे डाउनलोड करेंगे। तो फ्रेंड जैसे कि ये मेरे पास जो है मैंने वीडियो अपलोड की थी, आपने क्या करना है वाइट स्टूडियो ओपन कर लेना, उसके बाद आपके पास ये पेंसिल आइकन शो है आपने इस पर टैप कर लेना है, और इस पर टैप करने के बाद आपके पास ये थंबनेल आ गया, थंबनेल के ऊपर ये पेंसिल आइकन बना हुआ आपने इस पर सिलेक्ट कर लेना, उसके बाद थंबनेल डाउनलोड थंबनेल जैसे आप इस पर टैप करेंगे तो आपका थंबनेल डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह आपने अपने तमाम जो है वो वीडियो का थंबनेल आपने डाउनलोड कर लेना। अगर आपके पास थंबनेल नहीं है तो, अगर आपके पास वैसे सेव हैं तो आपने वहाँ से ट्रैक लगा लेने हैं। ये उन दोस्तों के लिए जो अपना थंबनेल सेव नहीं रखते हैं बाद में डिलीट कर देते हैं, ये मेथड जस्ट उनके लिए है। तो आप चलते हैं लाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेते हैं। तो लाइट मोशन अगर आपके पास नहीं है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन मौजूद है, वहाँ से जाकर आपने डाउनलोड करना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसका XML मैंने बनाया, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड ये XML है, मिट्टी एडिट्स इंट्रो XML, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आपने डाउनलोड कर लेना है। आप देख सकते हैं ये मैंने इंट्रो बनाया हुआ है कुछ इस तरह से। उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ये ग्रुप वन शो रहा, आपने ग्रुप वन पे टैप करके, एडिट ग्रुप पे टैप करके, और ये आपके पास तीन है, ये फर्स्ट जो है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन हो गई, ये फर्स्ट ग्रुप में है। अगर आप चेंजेस करना चाहते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा कि आपने अलग अलग बनानी है वैसे। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपके पास कुछ इस तरह से शो होगा तो आपने इस पर टैप करके कलर एंड फिल में आके, और ये आपके पास PNG शो हो रही है तो आपने इस पर टैप करेंगे जो आपको ट्रैक्ट आपकी गैलरी में ले जाएगा, वहाँ से जाके आपने जो पिक्सल ऐप में अपनी पिक्स क्रिएट की थी थंबनेल वाली आपने उसको ऐड कर लेना है। तो इस तरह आपने अपने तीनों पिक्स को ऐड कर लेना है, उसके बाद आपने बैक कर लेना है। बैक करने के बाद ये आप देख सकते हैं ये आपके पास कुछ इस तरह से शो होगी, ये अभी जो मैंने सेंटर वाली अभी बनाई थी, बाकी मैंने पहले बनाई हुई हैं। तो उसके बाद ये ग्रुप टू आ गया। तो इस तरह यानी कि आपने अपने हिसाब से ये तीन पहले बनानी है, अगर आप चाहते हैं तो आप और भी ज़्यादा बना सकते हैं, यानी कि आप 6 बना सकते हैं इस तरह की पिक्स अलग अलग आपने थंबनेल लगा के। उसके बाद सेम तरीका आपने वही करना है, ग्रुप टू पे टैप करके, एडिट ग्रुप पे टैप करके, ये भी तीन है, आपने क्या करना है कोई सी भी एक सेलेक्ट कर लेनी। उसके बाद आपने क्या करना है कलर एंड फिल में आके, और ये नीचे PNG शो रही है इसका नेम लिखा हुआ है, आप जैसे इस पर टैप करेंगे आपको डायरेक्ट गैलरी में ले जाएगा। थंबनेल वाली पिक्स बनाई थी आपने उसको ऐड कर लेना है। तो इसको बैक कर लेते हैं, बैक करने के बाद इतना हमारा काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे आके, जहाँ पे हमारा ये जो PNG शुरू हो रही है, तो आपने क्या करना है कि आपने अपना कोई से भी लोगो ऐड कर लेना है, जो आपके चैनल का लोगो है, जो आप जो नाम लगाना चाहते हैं ऊपर शो करवाना चाहते हैं आपने उसको ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद आपने मूवमेंट असरों में आके, स्केल में आके, और आप ये साइज़ देख लें, आपने प्लस की लगा के, और ये साइज़ जो है आपने इस तरह से इसको जो कुछ बढ़ा लेना है जितना आप बढ़ाना चाहें। उसके बाद आपने थोड़ा सा आगे करके इसको जो है वो कुछ इस तरह से दोबारा फिर आपने प्लस की देके, और इसको जितना बड़ा छोटा जितना आप रखना चाहते हैं, आप देख सकते हैं आप जितना छोटा इसको करना चाहें आपने कुछ इस तरह से इसको छोटा लगा लेना है, जितना आप बड़ा रखना चाहें वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जैसा आपको बेस्ट लगे आपने वो जो है वो क्या करना है लगा लेना है। ये आपके पास कुछ इस तरह से होगा। तो मेरा जो लोगो जो है वो वाइट और ब्लैक है, इसलिए थोड़ा सा शोर, अगर आपका लोगो फुल वाइट है तो ब्लैक कलर में बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद ये नीचे इंट्रो जो साउंड है ये है, ये आपको मैं प्ले करके चेक करा देता हूँ। तो ये मुकम्मल इंट्रो जो है वो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके आपने XML के साथ ही इसका लिंक भी होगा आपने ये डाउनलोड कर लेना। उसके बाद आपने क्या करना है इसकी ऑडियो आपने स्टार्ट करके और आपने जो है वो इंट्रो में आपने यूज़ कर लेनी है। तो फ्रेंड ये था मेथड जिसकी मदद से आप जो है वो अपना थंबनेल इंट्रो बना सकते हैं। तो आपको एक और बात बता दूं कि ये जो है थंबनेल वीडियो टोटल जो है वो इंट्रो यानी कि आपका 4 सेकंड का है। आपने कहना है आपने किसी भी एडिटिंग ऐप यानी कि काइन मास्टर या इनशॉट या जो सा आप यूज़ कर रहे हैं आपने क्या करना है उसमें इसको ऐड करके और इसकी ड्यूरेशन आपने थोड़ी सी बढ़ा लेनी है। जो मैं इंट्रो यूज़ करता हूँ वो 9 सेकंड का है। जब आप इसकी ड्यूरेशन बढ़ाएंगे तो ये बिल्कुल स्लो से काम करेगा, या भी बहुत फास्ट काम कर रहा है स्लो काम करेगा, और आपके थंबनेल जो है वो क्लियर नज़र आएंगे, और आपको ये थोड़ा सा यानी कि स्लो हो जाएगा आपके जितने थंबनेल हैं ये ऐसे जब जैसे मूव होगा ये जो है वो आपके हर चीज़ क्लियर नज़र आएगी।
ये जो थंबनेल मैंने अभी बनाया, मैं दूसरा भी आपको ऐड करके दिखा देता हूँ। यह आपने देखा ये कुछ इस तरह से वर्क कर रहा है, तो अभी मैं आपको दूसरा ऐड करके दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड ये इंट्रो है जो मैं अपनी वीडियो में यूज़ करता हूँ, इसकी ड्यूरेशन मैंने बढ़ाई हुई, मैं आपको ये प्ले करके चेक करा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये आप देखते हैं कितने स्लो से ये जो है स्लोली स्लोली जो है मूव हो रहा है, वो फास्ट है, थोड़ा फास्ट हो रहा है। तो आपने किसी भी एडिटिंग ऐप में उसको ऐड करके और आपने क्या करना है उसको थोड़ी ड्यूरेशन आप जैसे जैसे बढ़ाएंगे या थंबनेल इसके जो है वो बिल्कुल स्लो स्लो मूविंग होंगे। ये आप देख सकते हैं, ये आपके पास कुछ इस तरह से, ये हमारा जो है वो एक ख़त्म हो गया, यहाँ पे एक ग्रुप वन ख़त्म हो गया, ग्रुप टू यहाँ से शुरू हो रहा है और ये हमारा जो लोगो मूव होके जो है वो आ रहा है। उसके बाद ये आप देख सकते हैं कितने स्लोली स्लोली हो रहे हैं। ये आपने देखा होगा वहाँ पे जो है 4 सेकंड का है और यहाँ मैंने 10 सेकंड तक मैंने किया। मैं आपको प्ले करके चेक करा देता हूँ। तो फ्रेंड इस तरह आपने अपना इंट्रो बना लेना है, XML का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से जाके आपने डाउनलोड कर लेना है। तो फ्रेंड ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए हेल्प हो रही होगी। वीडियो आपके लिए हेल्प हो रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कुछ भी अच्छा लगा कुछ भी बुरा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लगा कीजिए। अगर हमारे चैनल पर दफा आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो मैं मिलता हूँ चैनल एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने चैनल वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।